क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड एज वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस टॉपिक्स वी विल डू सो। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में, जैसा कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक रिकैप देती हूँ कि लास्ट के लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस करते आए हैं, तो वैसा ही एक छोटा सा रिकैप इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी। लास्ट के जो लेक्चर्स थे उसमें हम अपने पॉलिनेशन, उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, क्योंकि जब पोलिनेशन हो गया तो उसका इंटरैक्शन कैसा होगा, किसके साथ, जहाँ पर वो लैंड कर रहा है उसके साथ, उसके बाद उसी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर वेराइटी, दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये सब कुछ हम अपने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ एट ऑल यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम एनी वेयर इन एनी ऑफ द टर्मिनोलॉजी, अगर कुछ चीज़ हो सकता है कोई कुछ पॉइंट्स लेक्चर्स में स्किप हो गए हो, तो आप वो भी मेंशन करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में के अलावा आप ईमेल पर भी अपने जो डाउट्स हैं उनको भेज सकते हैं, वी विल रिप्लाई देयर इटसेल्फ, राइट। तो कंटिन्यू करेंगे हम उसी को आगे। देखो, हमने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाली जो टर्मिनोलॉजीज थी या जो पूरे डिस्कशन था उसको ख़त्म कर दिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली जो एंजियोस्पर्म्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस प्ले करती है, वो होती है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन की टेक्निक। उसी को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग दिस पॉइंट। अब देखो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले तो देख लिख लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, लेकिन हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग वाला पोर्शन स्किप किया हो तो आपको अगर नहीं पता चल रहा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो वो है डबल फर्टिलाइजेशन वाली मेथोडोलॉजी। तो देखो, जैसा कि हमने बोला था कि जो हमारा एंट्री होगी वो कहीं से भी हो सकती है। जब हमने पोलन ट्यूब का रूट डिस्कस किया था डायग्राम के थ्रू अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आई थिंक, तब हमने ये देखा था कि जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो अलग अलग जगहों से हो सकती है, अलग अलग रूट्स हो सकते हैं उसकी एंट्री के। लेकिन पोलन ट्यूब चाहे एंटर कहीं से भी करे, लेकिन एट द एंड उसको माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही जाना पड़ेगा एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या कि चाहे पोलन ग्रेन कोई सा भी रूट तय करे, मतलब इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रूट, रूट किसका, पोलन ट्यूब का ही रूट, कहाँ तक जाने के लिए, उसकी ओवरी या फिर फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँचने के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट द पोलन ट्यूब हैज़ टू गो थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइल इन ऑर्डर टू गो टू द फीमेल गैमेट। इसका भी एक रीज़न है जो अभी अभी हम देखने वाले हैं। देखो, जब हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस को पूरा डिटेल में स्टडी किया था अलॉन्ग विद द डायग्राम, तो आपने देखा था कि जहाँ ये माइक्रोपाइल एंड होता है, जब हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया था, तो जो माइक्रोपाइल एंड था वहीं पर हमारा एग सेल प्रेजेंट था, और उसके साथ में हमारे, जब हमने ये एम्ब्रियो सैक डिस्कस किया था, तो हमारा यहाँ पर ये दो साइनर्जिट्स प्रेजेंट थे और यहाँ पर था हमारा एग सेल, है ना, और यही था हमारा माइक्रोपाइलर एंड। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, एक्यूरेट डायग्राम, पहले के लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं। अगर ये एम्ब्रियो सैक था तो ये दो साइनर्जिट्स और ये हमारा एग सेल जो मिला के क्या बनाता था, एक अपैरेटस, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे। तो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ही पोलन ट्यूब को एंटर करना है, इसका मतलब इन साइनर्जिड से ही हमारा पोलन ट्यूब एग सेल की तरफ जाता है। उसका एक जो मेन रीज़न है वो है वही कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि यही साइनर्जिड्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स सीक्रीट करते हैं ताकि वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ और वो इस एग सेल में जाकर फ्यूज हो पाए। That is why. So this is the whole sole reason why pollen tube, irrespective of the root,
फ्रूट हैज टू गो थ्रू द माइक्रोपाइल एंड इन ऑर्डर टू फ्यूज विद द फीमेल गैमेट. अब साइनर्जिड्स ने क्या किया है, साइनर्जिड्स के पास पहुंचा वो, साइनर्जिड्स के थ्रू हमारा जो पोलन ट्यूब है वो एंटर हो चुका है. ठीक है, यहाँ से ये जो हमारा पोलन ट्यूब आया था वो एंटर हो गया अब यहाँ पर. ठीक, क्या होगा, टिप ऑफ पोलन ट्यूब या तो इन साइनर्जिड्स के बीच में से, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इन साइनर्जिड्स के बीच में से एक्सेल तक पहुंचेगी, या फिर एक और रूट हो सकता है इसका, यहीं से होगा लेकिन इसका जो एक और रूट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. ये किसी एक साइनर्जिड में एंट्री कर जाएगा. मान लो इसमें किया, दो साइनर्जिड्स प्रेजेंट है, फिलिफॉर्म एपैरेटस के थ्रू एक साइनर्जिड में एंटर करेगा और जिसमें ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी वो वाली साइनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाएगी, मतलब खत्म होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि जो पोलन ट्यूब की टिप है वो इस साइनर्जिड में जा चुकी है, अब वो धीरे धीरे डीजेनरेशन शो करेगी और उस डीजेनरेशन के बाद जो पोलन ट्यूब की टिप यहाँ पर गई है वो अब इनलार्जमेंट शो करने लगेगी. इसके बाद होगा इनलार्जमेंट किसका, ऑफ पोलन ट्यूब टिप. ठीक, साइनर्जिड जो है जिसके थ्रू एंटर होगा, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है. ये साइनर्ज, तभी मैंने बोला अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिख रही हूँ बोर्ड पर, बाकी का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक, तो साइनर्जिड जो है वो डीजेनरेट होने लगेंगे. कौन सा साइनर्जिड डीजेनरेट होगा, जहाँ से पोलन ट्यूब की जो टिप है वो एंटर करेगी वो वाला साइनर्जिड पर्टिकुलरली डीजेनरेट होगा. पोलन ट्यूब की जो टिप है वो इनलार्जमेंट शो करेगी और उस इनलार्जमेंट के साथ साथ क्या करेगी, इट विल रिलीज ऑल इट्स कंटेंट अलोंग विद टू मेल गैमेट्स. पोलन ट्यूब अपने सारे कंटेंट रिलीज कर देगा और उसके साथ में रिलीज करेगा दो मेल गैमेट. देखो यही चीज मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन की थी कि जो हमारा पोलन ग्रेन है, जब हमारा पोलन ग्रेन डिहाइज होके मैच्योर होके शेड होगा या लैंड करेगा तो दो सेल्ड कंडीशन की स्टेज पर होता है और जो हमारा जनरेटिव सेल होता है उसमें दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. वही दो मेल गैमेट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर रिलीज हुए थे. उस लेक्चर में भी जहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बोला था कि इसको आपको याद रखना है क्योंकि आगे जाकर हम डबल फर्टिलाइजेशन में इसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं. तो वहीं से कंटिन्यू हुआ है, ये दो मेल गैमेट along with all the contents that are present within the pollen tube are released into the these synergids in order to reach to the egg cell. ठीक, अब question mark कहाँ पे आया, question mark आएगा कि हमने ये double fertilization क्यों बोला. वैसे तो बहुत सा concept यहीं से डिस्क्राइब है कि दो मेल गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं, इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होने वाला है. आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन कैसे होगा देखो जरा. यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन विच एवर पॉइंट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन गेटिंग थ्रू. ठीक, अब देखो दो मेल गैमेट आ गए हैं अब. ठीक, इसमें से जो एक होगा ये तो हमारे एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और इसको हम बोलते हैं सिनगैमी, क्योंकि एक्चुअल फर्टिलाइजेशन यहीं पर हो रहा है. यहाँ जो एग सेल है ये हमारा जो एक मेल गैमेट है ये इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और इसको बोलेंगे सिनगैमी, या फिर इसको एक और बोल टर्म करते हैं वो होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, ये भी बोला जाता है इसको. ठीक, एक एग सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया, दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा जाएगा हमारे पोलर न्यूक्लियाई में.
ये यहाँ जब हमने एम्ब्रियो सैक बनाया था तो यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लियाई बनाया था जिसमें दो न्यूक्लियस बनाए थे मैंने, और मैंने आपको बोला था कि इसकी जो ये बीच वाली लाइन है इसको आप इमेजिनरी एज्यूम करो क्योंकि ये फ्यूज्ड है। ये भी सेम वर्ड्स मैंने वहाँ पर भी यूज़ किए थे, यहाँ पर भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ अगर आपने वो वाला लेक्चर विजिट किया हो तो। तो क्या होगा, एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज़ करेगा। देखो ये है पोलर न्यूक्लियाई, इसका है डिप्लॉयड लेवल 2n, ठीक। एग सेल का जो है कंटेंट है प्लॉयडिक लेवल वो है n, इस मेल गैमेट का तो n ही है, ये बात आपको पता होगी, याद हो गई होगी अभी तक कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो जो हमारा सिन गैमी हुआ वो हो गया, अब पोलर न्यूक्लियाई 2n कंडीशन में है मतलब डिप्लॉयड है, इसके साथ में ये मेल गैमेट फ्यूज करेगा। इस टर्म को, इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जैसे यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी बोला, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, इसलिए एक है यहाँ मेल गैमेट का, दूसरा है हमारे दो न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियस में, ठीक, इसीलिए इसको बोला है ट्रू या फिर ट्रिपल फ्यूजन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो ये है हमारे एग सेल के साथ। अब देखो ये दोनों अलग अलग, क्योंकि दो, पहले तो ये समझ लो कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं दो मेल गैमेट्स के साथ हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर ही, इसीलिए हमने इसको बोला है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाली टर्मिनोलॉजी है दैट इज यूनिक किसके केस में, इन दी एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के केस में ये डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक होता है, मतलब सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की ही स्पेशलिटी है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन को शो कर पाए। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, आपने अपने क्लास 11th में जब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन स्टडी किए होंगे, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, तब आपने अच्छे से स्टडी किया होगा ये चीज, राइट। तो इसीलिए हमने बोला इसको डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो दो फर्टिलाइजेशन हुए, एक तो हुआ ट्रू फर्टिलाइजेशन, दूसरा हुआ हमारा ट्रिपल फ्यूजन, ये दो अलग अलग हुए हैं तो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग चीज़ें ही बनाएंगे। ये जो हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ है इससे बनेगा हमारा जाइगोट, ऑब्वियस ही बात है प्लॉयडी लेवल मेरे को लिखना नहीं चाहिए क्योंकि अब तक आपको याद हो जाना चाहिए ये हुआ 2n का, और यही जाइगोट आगे जाकर किस में डिफ्रेंशिएट होगा, हमारे एम्ब्रियो को बनाएगा ये। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, इस ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बनेगा हमारा PEN, PEN का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये क्या बनाने वाला है, 3N मैंने लिखा है उसका प्लॉयडी लेवल क्योंकि 2N यहाँ पर थे 1N यहाँ पर, इसीलिए 3N, ठीक। और ये क्या बनाएगा प्राइमरी, देखो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ और इसी से आपको समझ में आ जाएगा, ये है पी से प्राइमरी, ई से हुआ एंडोस्पर्म और एन से हुआ हमारा न्यूक्लियस। तो नाम में लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला कि क्या बनने वाला है, तो इससे बनने वाला है इट विल फॉर्म दी एंडोस्पर्म, यही एंडोस्पर्म आगे जाकर हमारा जो न्यूट्रिशन है उसका काम करेगा। तो दैट इज हाउ दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज फैसिलिटेटेड इन द एंजियोस्पर्म्स विच विल गिव राइज टू जाइगोट दैट इज डिप्लॉयड एंड एंडोस्पर्म दैट इज ट्रिप्लॉयड। व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स दैट इज द मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियाई, ploidy level of polar nuclei is 2n and that of male gamete is n, which ultimately leads to the formation of a primary endosperm nucleus which will become 3n, ठीक। अब एक common question आता है यहाँ से, वो ये आता है कि इस डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं। अभी तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं। देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो यू हैव 5 न्यूक्लियाई और 5 न्यूक्लियस दैट आर इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। कैसे? एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, ठीक,
अगर आप बोलो चाहो तो मैं लिख भी देती हूँ, 1, 2, 3 ये और 4 + 5 यहाँ पर, इस तरीके से 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। फिर से अगर आपने वही लाइन रिपीट, अगर आपने वीडियो स्किप किया होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि आपने वीडियो स्किप कर दिया, तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इस बीच में वो आपने नहीं सुना होगा शायद से। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वो 5 न्यूक्लिया हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं डबल फर्टिलाइजेशन के में, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज डन। अब देखो इसकी एक और छोटी सी बात बचती है बस, वो क्या है, वो आती है कि इस डबल फर्टिलाइजेशन को जब हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के केस में, तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा, तभी तो प्लांट जो है या जो एम्ब्रियो सैक है, ये पूरा जो सिस्टम है हमारे गैमेट्स के फ्यूजन का, वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। नेचर डज नॉट डू एनीथिंग विच गोज इन द वेन, मतलब नेचर कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिसमें एनर्जी तो खर्च हो लेकिन कोई एडवांटेज ना मिले। तो ऑब्वियस ही बात है, जब डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है एंजियोस्पर्म्स के केस में स्पेशली, तो कोई ना कोई एडवांटेज तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस की होगी ही होगी। वो एडवांटेज क्या है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तब तक अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट, अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग टू बी मिस आउट फ्रॉम योर रीच। बेल आइकन को भी प्रेस करना है क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस अदरवाइज टाइम पर नहीं मिलेंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अब मेरिट्स इसी डबल फर्टिलाइजेशन के। तो सबसे पहला जो हमारा मेरिट है, जो सबसे पहला एडवांटेज है, वो तो यही है कि वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। वायबल सीड्स का मतलब होता है अच्छी कंडीशन में लिविंग सीड्स जो मिलती हैं हमें, वो होती है वायबल सीड्स, ठीक। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से वही वायबल सीड्स मिलेंगी हमें एंजियोस्पर्म्स से, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स नेकेड प्लांट नहीं है, इसमें वेल डेवलप्ड सीड्स प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शंस अलग से हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। उसके अलावा एक और ये होता है, इट मेंटेन्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कैसे, क्योंकि दो मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन से, तो उससे अगर दोनों ही एक एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएंगे तो जो प्लॉयडी लेवल है हमारे नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट का, जो फीमेल जनरेशन आएगी वो गड़बड़ा जाएगा, डिस्टरप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम का नंबर का डिप्लॉयड कंटेंट मेंटेन करके रखता है, ठीक। उसके बाद अब ये हमारा जो बनेगा ओवरी, इट विल डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल विल फॉर्म द सीड्स। ये ऑल्दो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, एम्ब्रियो और सीड का डेवलपमेंट हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, बट दिस इज हाउ इट गोज ऑन। ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट वेयर एज ओव्यूल्स डेवलप इनटू अ सीड, ठीक। इस तो ये है कुछ ऐसे मेरिट्स जो हमको बताते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे ये एंजियोस्पर्म्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आई थिंक कि वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड दिस डबल फर्टिलाइजेशन पार्ट। अब इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है उसमें आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम इसके बाद, मतलब अब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है, हम एंजियोस्पर्म्स के केस में डिस्कस कर रहे हैं, डबल हो रहा है, तो हमें आगे जाकर कैसे ये मेल गैमेट बनेगा, कैसे अब आगे के जो प्रोसेस है यही एम्ब्रियो और सीड का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। तो दे आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एज यूजुअल, डू नॉट मिस दैट आउट। टिल देन टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इधर इन द कमेंट सेक्शन थ्रू द जीमेल और थ्रू द नंबर दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।